हेलो चिल्ड्रन, आज असी पाठ तीन करांगे राणी साहिब कौर। राणी साहिब कौर पंजाब दे इतिहास विच बहुत बहादुर शेरनी है, जिसने बहुत मुश्किल समय विच पंजाब दी रियासत पटियाला नूं दुश्मनां दे हत्थों बचाया। पटियाले दे महाराजा अमर सिंह तो पिछों जदों उन्हां दा सपुत्तर साहिब सिंह गद्दी ते बैठा तां उस दी उम्र केवल 7 साल दी सी। सिट्टे वजों रियासत दी वांग डोर इक तो बाद इक बड़े चलाक धोखेबाज अते लून हराम मतलब नमक हराम वजीरां दे हाथ आउंदी रही, जिस कारण रियासत दी हालत दिनों दिन निगरदी गई मतलब नीचे गिरदी गई। महाराजा अमर सिंह दी वड्डी सपुत्री बीबी साहिब कौर फतेहगढ़ दे सरदार जैमल सिंह नाल व्याही हुई सी। राणी साहिब कौर ने अपने पेक्यां दी रियासत दा जदों ए हाल सुनिया तां उस दा दिल कंब उठिया। उस विच इक चंगे प्रबंधक वाले सारे गुण सन ते इस दे नाल देश प्रति प्रेम दी कुट कुट के भरिया होया सी। पटियाले नाल इक तां पेक्यां दी रिश्ते कारण मोह ते दूसरा कम दी रियासत ते तीजा साहिब सिंह नाल भैन दा प्यार, इन्हां ख्यालां ने उस नूं टिके ना बैठन दिता। उसने सारी गल अपने पति सरदार जैमल सिंह नाल सांझी कीती अते पटियाले जाण दी आग्या मंगी। सरदार जैमल सिंह भी हालात तो अनजाण नहीं सी। उसने अजिही स्थिति विच ना कर सके। राणी साहिब कौर पटियाले आ गई। उसने रियासत दे अमीर वजीर अते दरबारी सरदारां नूं इकट्ठा कीता, रियासत दी सारी हालत दसी ते प्रबंध दी वांग डोर अपने हत्थां विच लै लई। हर इक महकमे दी देखभाल अपनी निगरानी हेठां करनी शुरू कर दित्ती। राज दे सारे अंदरले प्रबंध नूं ठीक तरह सुधारिया। वाढीखोर मतलब रिश्वतखोर सरदारां नूं सजावां दित्तियां। 2 साल दी कठिन मेहनत तो पिछों बीबी साहिब कौर दी अकलमंदी ते बहादरी नाल रियासत दे सारे प्रबंध ठीक हो गए। पर ऐसे समय जिंद दी रियासत उत्ते अंग्रेज अफसर टामसन ने हमला कर दिता। भावें जिंद दे महाराजे दी फौज ने मुकाबला तां बहुत कीता, पर टामसन दी फौज गिनती विच भी ज्यादा सी ते सिखी हुई भी ज्यादा सी मतलब ट्रेन। बीबी साहिब कौर नूं जदों सिख रियासत जींद दे खुस जान दी खबर मिली तां उस दा खून खौल उठिया। उसने उस समय अपने फौजी अफसरां नूं बुलाया ते फौज तैयार करके भारी लश्कर लै के आप जींद पहुंची। टामसन अपने वल्लों जींद नूं लगभग जित चुका सी, पर साहिब कौर नूं पहुंचदिया देख के उसने सारी बनी बनाई खेड बिगड़दी जापी। साहिब कौर दे हुकम नाल उसकी फौज ने टामसन दी फौज ते हमला कर दिता। टामसन दी फौज नूं भज जाण तो बिना कोई राह ना लभ्या। 1794 दे सियाल दी रुत्त सी। रियासत दा काम आराम नाल चल रहा सी। फिर अचानक एक दिन हरकारा राजमहल विच आया। उसने राणी साहिब कौर नूं दस्या कि अंटा राव मरहट्टे दा ख्याल पटियाले उत्ते अचानक हमला करन दा है ते ओ रियासत पटियाले वल वधदे आ रहे हन। बीबी साहिब कौर दा खून उबाले खान लगा। उसने एक शाही दरबार लाया, सारी गल सरदारां ते दरबारियां नाल कीती ते दरबारियां दा ध्यान अपने वल करदिया होया फरमाया, मेरे प्यारे भरावो, पहला भी नानू मल वजीर दियां शतरंज दियां चालां कारण मरहट्टियां दे मूंह नूं लहू लग चुक्या सी। रियासत पटियाला नूं वेख के उन्हां दे मूंह विच पानी भर आया है। इह कारण है कि ओह नित नवें सूरज पटियाला वल वधदे आ रहे हन। उन्हां दी इह मर्जी है कि इत्थों दा सारा माल असबाब काबू कर लैन, साडी स्वतंत्रता खो लैन अते ए रियासतां नूं
गुलामी दीयां जंजीरां विच जकड़ दिता जावे। जे तुसी अपनी इज्जत बचाना चाहते हो तां तुहानूं इस दा मुल कुरबानी दी शक्ल विच देना पवेगा। आओ इकट्ठे होके अपने इज्जत ते कौम दी इज्जत लई धर्म युद्ध विच जूझिए, मतलब सारे मिलके उन्हां दा मुकाबला करिए। इस समय मेरा ते तुहाडा सब दा इम्तिहान दा वक्त है। साहिब कौर दा लंबा भाषण सुन के दरबारियां दा खून खौल उठिया। देश प्यार दे बलबले जाग उठे ते ओ सब जंग लई तैयार हो गए। मर्दापुर दी थां ते इक पासे अंटा राव ते लक्ष्मण राव मरहट्टे सरदार 30,000 तक दी गिनती विच हथियारबंद फौज लै के आ गए। दूजे पासे साहिब कौर दी फौज ते 7,000 देश भगत सिर तली ते रख के मैदाने जंग विच आ डटे। तलवारां म्यान विचों कढ़न तों पहलां साहिब कौर ने मरहट्टे सरदारां वल हरकारा भेज दिता ते इक सुनेहा दिता जो इस तरह सी। पटियाला एक सिख रियासत है जिस दी इज्जत अते कौमी अनख विच अनख इस गल दी आग्या नहीं दे सकदी कि बिना किसे कारण उस दी प्रजा नूं तंग कीता जावे, नाहक पुट्टिया जावे अते असी चुपचाप बैठे रहिए। इस वक्त तुहाडे वास्ते दो ही गल्लां हन कि जां तां तुसीं अपनी फौज वापस लै जाओ जां मैदान विच नित्र के दो हथ दिखाओ ते देखो। नित्र मतलब मैदान विच आके लड़ना, उतरना मतलब। हरकारे ने यह चिट्ठी अंटा राव नूं दित्ती अते उसने पढ़ के लक्ष्मण राव दे हवाले कर दित्ती। उन्हां दोहां नूं पहलां वांगू नानू मल दे दिवाए भरोसिया ते यकीन सी। उन्हां ने सोचा कि आखिर रियासत दी प्रबंधक एक स्त्री ही है ना, ओह साडी इन्नी फौज दा किवें कित्थे मुकाबला कर सकती है। मरहट्टे सरदारां ने जंग दा बिगल बजाउण दा हुक्म दिता। दोहीं पासे तलवारां लिशकियां, तीरां नाल, तलवारां दा तलवारां नाल, सवारां दा सवारां नाल। सवारां मतलब जो घोड़सवार होते हैं, उन्हां दा घोड़सवारां नाल मुकाबला होया। तीजे पहर तक बहुत भयानक हालत हो गई सी। मैदान लाशां नाल भरिया पिया सी, पर अजे भी दोहें पासियां तो जोश ठाठा मार रहा सी। दिन ढलन लगा, अंटा राव नूं फौज दा दिल टुटदा दिसिया ते उसने फौज नूं उत्साहित करन लई बहुत ही हलाशेरी दित्ती। मर्दापुर दी भूमि इक वार फिर परलो दा नमूना बन गई। एक पासे मरहट्टा अपने नाम दी लाज रखन लई मर के भी पिछे ना हटन दा प्रण कर बैठा सन ते दूजे पासे सरदार अपनी कौम दी आन ते शान कायम रखन लई सिर तली ते रख के लड़ रहे सन। सारे पासे लोथां दी लोथां सन, मतलब लाशां ही लाशां सन। दोहां धिरां दी सिर धड़ दी बाजी लगी हुई सी। आखर सांझ होण ते लड़ाई मठी पै गई। साहिब कौर ने सरदारां नाल सलाह कीती अते इक राह दस्या कि हुण वैरी थके टुटे हन, हुण आपां अपने खेमियां विच बेसुरत पए हन, मतलब वो अपने अपने जो उनके वो बने होते ना टेंट, उनमें बेसुरत मतलब थक हार के लेटे हुए हैं। जे रात नूं छापा मारिया जावे तां दुश्मन ना नसन जोगा रहेगा ना खड़न जोगा रहेगा। सरदारां ने इह सलाह सिर मत्थे मन्निया। अद्धी रात दा समां सी, अचनचेत नगारे ते चोट मारी गई, जयकारे बुलाए गए। साहिब कौर दी फौज ने तूफान वांग वधी। वैरी दे खेमियां विच अद्धी रात नूं होए इस अचानक हमले कारण भगदड़ मच गई। उस दी फौज भुखे शेरां वांग गज्जी। एक घंटे विच लगातार लड़ाई नाल मरहट्टियां दे पैर उखड़ गए ते ओह मैदान छड के नस गए। जित साहिब कौर दी होई। दिन चढ़े राणी साहिब कौर ने फौज दे सिपाही रणजीत नगारा बजाउंदा होया पटियाले पहुंचिया। साहिब कौर दी बहादुरी दियां धूमां पै चुकियां सन। इसे तरह बहादुर सिंघनी
ने सिख मतलब सिंघनी मतलब शेरनी ने सिख धर्म धर्म दी ते देश दी इज्जत बचा ली। उसने मरहटियां नाल टक्कर लै के ये सिद्ध कर दिता कि इस देश दे ते इस कौम दे मर्द ही बहादुर नहीं सी, औरतां भी किसे गलों पिछे नहीं हन। बीबी साहिब कौर दा नां पटियाले दे राज घराने दियां बहादुर महाराणियां विच्चों सब तो पहला लिया जांदा है। ओके, अब आगे है पाठ अभ्यास वाले क्वेश्चन, ठीक है, ये पढ़ना है आपको और समझना है। आगे इसका उड़ा भाग है, हेठा पंजाबी दे हिंदी दे एक अर्थ रख दे वक्रे वक्रे शब्द दिते हैं, इन्हां नूं ध्यान नाल पढ़ो अते समझो। बेटे सबसे पहले आप लोगों ने जब इसमें पंजाबी में पढ़ना है ना, तो आपने हैडिंग अच्छे से समझना है क्या लिखा हुआ है इसमें। देखो क्या लिखा है इन्होंने, मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ और ध्यान से सुनना। हेठा पंजाबी ते हिंदी दे एक अर्थ रख दे वक्रे वक्रे शब्द दिते हैं, इन्हां नूं ध्यान नाल पढ़ो अते समझो। मतलब पंजाबी उनका अर्थ तो एक ही है, पंजाबी में क्या बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं। जैसे कंबना कांपना, पेके माइका, अनख अहम, वाडी खोर रिश्वत खोर, लून हराम नमक हराम, लाज शर्म हमला आक्रमण। आगे है आड़ा भाग में क्वेश्चन नंबर 3 है, हेठा दिते शब्द गुरमुखी दे देवनागरी दोहां लिपियां विच लिखे हन, शब्द जोड़े दे अंतर नूं समझो। अब इन जो शब्द जो अब लिखा हुआ है, देखो उबालना संज शाम, मतलब पंजाबी च आपां संज बोलते हैं जां संध्या वेला बोलते हैं, तो हिंदी च आपां बोलते हैं शाम। वांगडोर वांग यहाँ क्या है, वागडोर वांगडोर, अब हिंदी में ऐसे है बिगल बिगुल, इसमें ऊ की मात्रा आ गई, ठीक है। अब आगे है ठीक उत्तर अगे टिक दा निशान लगाओ, रानी साहिब कौर किथे आ गई, जींच पटियाले या फतेहगढ़, तो किथे आई सी ओ पटियाला, पटियाला के आगे टिक लगाओगे आप। आगे है टामसन ने केड़ी रियासत उत्ते हमला किता, पटियाला फतेहगढ़ जींद, तो किस कौन सी रियासत पे किया था, जींद पे आगे टिक लगाओगे। मरहटे सरदारां दी फौज किन्नी सी, 30,000 7,000 10,000, ता 30,000 दे अगे टिक लगाओगे। रानी साहिब कौर अते मरहटे सरदार दरम्यान युद्ध किस स्थान ते होया, जींद पटियाला जा मरदापुर, तो कहाँ हुआ था, मरदापुर के आगे टिक लगाओगे। रानी साहिब कौर दी फौज किन्नी गिनती सी, 7,000 30,000 जा 18,000, ता कित्थे लगाओगे, 7,000 दे अगे। आगे हैं छोटे उत्तरां वाले क्वेश्चन, फिर उसके बाद है संक्षेप उत्तर वाले क्वेश्चन, ठीक है, ये मैं आपको बाद में करवाऊंगी, और ये वाक्यों विच वरतो ये भी मैं आपको ये बाद में करवाऊंगी। आगे है खाली थामा परो, रानी साहिब कौर डैश दे सरदार डैश नाल व्याही हुई सी, फतेहगढ़ अते यहाँ पे दूसरी डैश में क्या आएगा, जैमल सिंह नाल। रानी साहिब कौर डैश आ गई पटियाले, बीबी साहिब कौर दा डैश उबाले खान लगा खून, दोहां तेरां दी डैश लगी हुई सी सिर तड़ अगे वाजी, बहादुर सिंघनी ने सिख धर्म दे देश ते डैश बचा ली, की बचा लिया, इज्जत। आगे क्वेश्चन है हेठां लिखे शब्दां नूं हिंदी अते अंग्रेजी विच लिखो। अब इसमें मैं पंजाबी आपको पढ़ के बता रही हूँ, हिंदी और इंग्लिश आप यहाँ से देख के अपने आप लिखोगे। बहादुर खबर खून लोथ फौज, फिर आगे है हेठां लिखे शब्दां नूं शुद्ध करके लिखो, प्रबंधक फतेहगढ़ महकमा वैरी तूफान। अब इनको आपको ने शुद्ध करके लिखना है, प्रबंधक देखो कैसे लिखा हुआ है, फतेहगढ़ महकमा वैरी और तूफान। ओके थैंक यू।